Hello students, I am going to explain the topic how to create partner's loan account or executor account. Partner's loan account or executor account, दोनों account same ही बनते हैं, दोनों का performance same ही है. बस हम retirement के अंदर partner's loan account बनाते हैं और death के अंदर executor account बनाते हैं. वैसे हम question के अंदर full flash question बनाने के बाद ये account बनता है, जैसे कि सबसे पहले revaluation account बनता है, फिर partner's capital account, फिर balance sheet, उसके बाद partner's loan account. हम कैपिटल अकाउंट के अंदर जब सभी पूरा क्वेश्चन फिनिश करने के बाद जब हम बैलेंसिंग बैलेंस सीडी निकालते हैं, उसके अंदर जो पार्टनर रिटायर होता है उसको जो उसका बैलेंसिंग फिगर आता है बाकी पार्टनर्स पे करते हैं. जैसे वाई उसके लोन अकाउंट में उसे ट्रांसफर करते हैं. जैसे वाइज लोन अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया, 60,000 आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट. वाई इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स एनुअली कैरिंग 10% इंटरेस्ट पर एनम. जैसे कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, वाई रिटायर हो जाता है, तो वाई को एक्स और जेड कितने पैसे पे करेंगे, 60,000, और ये अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है. वो उसको ये अमाउंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे. इसके साथ इक्वली इंस्टॉलमेंट में 10% इंटरेस्ट पर एनम, सालाना कितना इंटरेस्ट देंगे 10%. अब 60,000 तीन सालों के अंदर पे करना है तो कितना कितना किस्त बनेगी, पहले साल 20,000, फिर 20,000 और 20,000, तीन इंस्टॉलमेंट्स में पे रहेगा 20, 20 और 20. इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट. इसका परफॉर्मा डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट. फर्स्ट जनवरी 2018 के अंदर हम कैपिटल अकाउंट से वाई का अमाउंट उठाएंगे, बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 60,000, और उसे इंटरेस्ट साल के एंड में पे करेंगे. बाय इंटरेस्ट अकाउंट 60,000 पे कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला था, 10%. 60,000 का 10% 6,000. फिर साल के एंड में उसे पेमेंट करेंगे 31st दिसंबर 2018 को बैंक के थ्रू. 20,000 तो उसकी इंस्टॉलमेंट बनती थी, प्लस 6,000 इंटरेस्ट, कितना हो गया 20 प्लस 6 26,000. फिर हम इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 60,000 प्लस 6,000 66,000 माइनस 26,000 40,000. अब एक साल फिनिश हो गया, अब नेक्स्ट 2018 के बाद 2019 ये बैलेंस हम इधर उतार लेंगे, टू बैलेंस सीडी यहां उतारेंगे, टू बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस बीडी कितना बैलेंस था, 40,000. उसके बाद फिर इसने इंटरेस्ट पे करना है साल के एंड में 31st दिसंबर 2019 बाय इंटरेस्ट अकाउंट. कितने पे इंटरेस्ट पे करेगा, अब 20 तो उसने पहले पे कर दिए थे 60 में से, अब कितना बच गया था उसके पास, 40,000. 40,000 का 10% 4,000. अब उसको पेमेंट करनी है, ये भी साल के एंड में ही करेगा, 31st दिसंबर 2019 टू बैंक अकाउंट. 20,000 उसकी इंस्टॉलमेंट थी, प्लस 4,000 इंटरेस्ट, कितना होगा 24,000. फिर हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 40,000 प्लस 4 44,000 माइनस 24,000 20,000. इसके बाद ये बैलेंस फिर हम अगले साल ट्रांसफर कर लेंगे 2019 के बाद 2020, 1st जनवरी 2020 को टू बैलेंस बीडी. कितना बैलेंस है ये उतार लेंगे इधर, 20,000. अब इंटरेस्ट फिर पे करना है, कितने पे इंटरेस्ट पे करना है, दो इंस्टॉलमेंट तो हमने दे दी है 40,000 की, अब कितने पे, 20,000 का 10% 2,000. फिर पेमेंट करेंगे 31st दिसंबर 2020 को टू बैंक अकाउंट, 20,000 तो उसकी इंस्टॉलमेंट थी, प्लस 2,000 इंटरेस्ट 22,000. अब हमारा बैलेंस बराबर आ जाता है 22,000 और 22,000, क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट्स उसे तीन साल के अंदर ही पे करनी थी. थैंक्स.